Dear student, welcome all of you of class 6 student. Today, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो क्लास 6 सब्जेक्ट SST पार्ट ऑफ सिविक्स चैप्टर 2. अब चैप्टर 2 का जो नेम है वो है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अब देखो, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये डाइवर्सिटी, इसका हिंदी वर्जन होता है समानता. डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, कि हम इंडियन पर्सन, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी भी और डिस्क्रिमिनेशन भी, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो कुछ बातों में समानता भी. समानता तो क्या है कि एक साथ सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, सब एक दूसरे को मानते हैं, तो ये तो समानता है. बट भेदभाव, जैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इनके अकॉर्डिंग उनमें भेदभाव भी है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. अभी जो आगे के एक्सप्लेनेशन जो है वो हम बता रहे हैं आपको. बेटा, ये होमवर्क में पहले समरी करनी होती है, फिर क्वेश्चन आंसर करने होते हैं. तो समरी में डाइवर्सिटी, समानता और भेदभाव. इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. 8 मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर प्रैक्टिसाइड इन इंडिया. 8 बड़े धर्म इंडिया में रह रहे हैं, तो वो 8 धर्म, और सबको स्वतंत्रता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी सभी लोग एक साथ एक जगह पे अलग अलग धर्म के होते हुए भी वर्क कर रहे हैं, तो ये डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. अब डाइवर्सिटी हमेशा ही नहीं बनी रहती है. इट इज नॉट ए हेल्दी ट्रेट फॉर आवर कंट्री. ये हमारे देश के लिए ज़्यादा अच्छा तो नहीं है. When people say that who belong to a particular country, जब लोग एक देश में जो मिलते हैं, उनके रिलीजन, धर्म, सेक्स, लिंग, रेस और इकोनॉमिकी, और उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है, उनके पास कितना धन संपत्ति है, आर स्टिंगी. स्टिंगी का हिंदी वर्जन होता है कंजूस, लेजी, क्रिमिनल, अत्याचारी. लेजी मीन्स आप समझते हैं जो वर्क नहीं करता है, उदास टाइप का जो होता है. दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स. वो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, रूढ़िबद्ध होती है. रूढ़िबद्ध मीन्स पीछे से जो चले आ रहे हैं, वो इन कारणों से होते हैं. जैसे कोई पीछे से पावरफुल है, धन उसके घर में अच्छा है, इन कारणों से हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते हैं. इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन टाइप्स, कास्ट और रिलीजन कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन. इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक, यानी धन में समानता, यानी जिसके धन में समानता है वो तो एक साथ बने रहेंगे. ऑक्यूपेशन, उसकी क्या कार्य करता है वो, कास्ट, कौन से कास्ट से, कौन से धर्म से, कैन लीड द डिस्क्रिमिनेशन. ये चीज़ें भेदभाव को बढ़ाती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाती हैं. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. अब डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध जो जो कार्य हो, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेनेशन है. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दलित, वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट एंड अनटचेबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इनइक्वलिटीज. सबसे पहले हमारे यहाँ पे जब वो ब्रिटिश पर्सन थे, तो सबसे पहले किसने उन्हें आवाज़ उठाई, जब हम देश आज़ाद हो रहा था उस समय, दलित लोगों ने, औरतों ने, जो ट्राइबल्स थे यानी पिछड़ी जनजातियों की औरतें, पीजेंट जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, एंड अनटचेबल्स, और जो
नीची जाति के लोग थे जो चमड़े वगैरह का वर्क करते थे, जिनको बहुत नीचा समझते थे, वो उनसे अछूत, अनटचेबल मीन्स जो अछूत जाति के लोग थे, जिनको बड़ी कास्ट के छूते नहीं थे, उन लोगों ने ब्रिटिश लोगों में इनइक्वलिटीज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अब देखो, एक डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा, इज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भारतीय संविधान के पिता माने जाते हैं। उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट हेल्प्ड शेड्यूल कास्ट, उसने शेड्यूल कास्ट की बहुत ज़्यादा सहायता की और एक संविधान में उनको जगह दी उन्होंने। अब कुछ हार्ड वर्ड है जो हम आपको बता रहे हैं, रिलीजन्स धार्मिक, क्रिमिनल अत्याचारी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, सेक्स लिंग का मतलब पुरुष जाति का या स्त्री जाति का है, सेलिब्रेट मनाना, प्रेजुडिस सुरक्षा करना, स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्ध, यानी रूढ़िबद्ध जो पीछे से चली आ रही रीति रिवाजों को मानने वाले, स्टिंगी कंजूस, अनफेयर साफ कार्य नहीं, अच्छा कार्य नहीं वो अनफेयर कहलाता है, इनइक्वलिटी असमानता, यानी असमान है, और दो हिंदी वर्ड वो हैं जो पार्ट लेसन के शुरू में ही है, डाइवर्सिटी समानता, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। तो आई होप दैट कि बच्चों इस चैप्टर को, अब इस वीडियो सुनने के बाद आप इस चैप्टर की रीडिंग करना और फिर उसको समझना। तो मैंने हार्ड वर्ड दिए, कुछ हार्ड वर्ड रह भी गए हों क्योंकि बच्चे क्लास में पूछते हैं, उनकी क्वेरी के लिए मैंने हार्ड वर्ड कुछ लिखे हैं, तो आप भी जो और हार्ड वर्ड आए उनकी हिंदी सीखें। घर पे भी आप हेल्प ले सकते हैं, स्कूल के व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आई होप दैट अकॉर्डिंग COVID-19 लॉकडाउन के कारण आप क्लासेज में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा बैठे हुए तो आप क्लास में हम बोर्ड पे, उससे अच्छा तो पढ़ाने का कोई इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है। फिर भी ये सेकंड तरीका, इसको भी हम बहुत अच्छे से करके बच्चों को दे रहे हैं कि उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। तो आई होप दैट आपकी जो हेल्थ वाइज घर पे अच्छे होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।